उपायुक्त हरिकेश मीणा ने उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ द्योचित बाबा बालकनाथ मंदिर में विभिन्न योजनाओं का जायजा लिया। उन्होंने बाबा जी के दर्शन कर आशीर्वाद भी लिया। उन्होंने मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाबा जी के मुख्य मंदिर, गुफा, लंगर भवन, सराय तथा अन्य सभी स्थानों पर साफ सफाई को सुचारू रूप से सुनिश्चित बनाए, ताकि मंदिर में बाबा जी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुजनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने एसडीएम को कहा कि मंदिर व इसके समस्त क्षेत्र को और भी सुंदर तथा आकर्षक बनाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जाए। मंदिर में स्थापित पुरानी ग्रिलों के स्थान पर आधुनिक किस्म की आकर्षक ग्रिलें लगाने को कहा गया। इसके अतिरिक्त मंदिर में हर दिन की गतिविधियों की सीसीटीवी फुटेज की सीडी भी बनाकर रखी जाए। उपायुक्त ने कहा कि मंदिर क्षेत्र में हर स्थान पर ड्यूटी देने वाले सभी कर्मचारियों का अनुभाग के अनुसार ड्यूटी रोस्टर बनाया जाए तथा सुपरवाइजर ये सुनिश्चित बनाएगा कि प्रत्येक कर्मचारी ड्यूटी रोस्टर के अनुसार अपनी ड्यूटी का कर्तव्य निष्ठा के साथ निर्वहन करे। मंदिर क्षेत्र के प्रत्येक स्थान तथा अनुभाग में साइन बोर्ड स्थापित किए जाएं। महत्वपूर्ण स्थानों पर मंदिर कार्यालय तथा अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों के संपर्क नंबर लिखे जाएं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा सूचना का संप्रेषण करने में किसी प्रकार की कठिनाई पेश न आए। उन्होंने सराय तथा लंगर भवन का भी निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंदिर में श्रद्धालुओं को परोसे जाने वाले खाने की गुणवत्ता तथा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। लंगर के दौरान प्रतिदिन श्रद्धालुओं को परोसे जाने वाले खाने की लंगर सहायक नियमित रूप से जांच सुनिश्चित बनाए। विश्राम गृह के साथ मंदिर में पानी की बड़ी टंकियां स्थापित करने को कहा गया। विश्राम गृह के पास खाली पड़ी जगह पर हाई मास्ट लाइट लगाने तथा पार्किंग का निर्माण करने को योजना बनाने के लिए एसडीएम को कहा गया। उन्होंने गत वर्ष की मंदिर की आय तथा वर्ष की अप्रैल से जुलाई माह तक की आय से संबंधित अभिलेख तथा कर्मचारियों का अटेंडेंस रजिस्टर तथा अन्य दस्तावेजों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने एसडीएम को निर्देश दिए कि मंदिर में कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए एक महीने के अंदर बायोमेट्रिक प्रणाली शुरू की जाए तथा मंदिर में हर स्थान पर कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित की जाए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उपायुक्त ने मंदिर क्षेत्र की सड़कों का भी निरीक्षण किया। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुजनों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए उन्होंने एसडीएम को निर्देश दिए कि वे मंदिर क्षेत्र में सड़कों की तुरंत मरम्मत करवाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त मंदिर में कुछ स्थानों पर वायरिंग को अंडरग्राउंड करने को कहा गया। कुछ स्थानों की पानी लीकेज को तुरंत ठीक करवाने के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को निर्देश दिए गए। उन्होंने मंदिर में सत्संग तथा बकरा हाल का भी निरीक्षण किया तथा यहां पर भी सफाई व्यवस्था नियमित रूप से सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर एसडीएम बटसर प्रदीप कुमार ठाकुर, मंदिर कार्यालय के अधीक्षक शमशेर चंद शर्मा के अतिरिक्त मंदिर के अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे। हमीरपुर के बाईपास स्थित निजी होटल में 17 डोगरा के पूर्व सैनिकों ने अपना 40वां स्थापना दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त धर्मगुरु बी आर कौशल के बटालियन का इतिहास बताया। आपको बता दें कि 17 डोगरा की स्थापना 1 अगस्त 1980 को डोगरा सेक्टर फैजाबाद में हुई थी और यूनिट के प्रत्येक क्षेत्र में सराहनीय काम करते हुए कौम और रेजिमेंट के नाम को रोशन किया है। इस अवसर पर कैप्टन प्रकाश चंद, भागीरथ कौशल, कैप्टन रिकी राम, कुलदीप सिंह, राजेंद्र मिन्हास, तिलक राज, मोहिंदर सिंह, दुर्गादास, अमर सिंह, किशोरीलाल, बतन सिंह, दलजीत, दिनेश, अशोक कुमार, जगदीश, कमल, जोगिंदर सिंह, मनोज कुमार मौजूद रहे। बिलासपुर जिला के गुमारमी हलके के साथ प्रदेश की भाजपा सरकार अनदेखी कर रही है और मौजूदा बीजेपी विधायक राजेंद्र गर्ग योजनाओं में फेरबदल कर पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में स्वीकृत
परियोजनाओं को रोकने का काम कर रहे हैं। ये कहना है घुमारवीं से पूर्व विधायक एवं पूर्व सीपीएस राजेश धर्माणी का। बिलासपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से बात करते हुए राजेश धर्माणी ने पूर्व वीरभद्र सरकार के कार्यकाल में स्वीकृत योजनाओं को रोकने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इंडोर स्टेडियम निर्माण, सड़कों का निर्माण, घुमारवीं शहर में पार्किंग की व्यवस्था सहित पार्क निर्माण व झील व्यवस्था को लेकर पूर्व सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी, मगर वर्तमान सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। इसके साथ उनका कहना है कि 137 करोड़ की पेयजल परियोजना की स्वीकृति पूर्व सरकार द्वारा दी गई थी, जिसमें सुजानपुर के ब्यास नदी का पानी लिफ्ट कर घुमारवीं और बिलासपुर सदर विधानसभा हलके की जनता को पीने के लिए मुहैया करवाना था, जिसको लेकर सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थी, मगर ब्यास नदी की जगह सतलुज नदी को योजना से जोड़ने के नाम पर योजना को सिरे नहीं चढ़ने दिया। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार से घुमारवीं हलके के लिए स्वीकृत योजनाओं पर काम शुरू करने की भी अपील की है, ताकि जनता को विभिन्न योजनाओं का फायदा मिल सके।